Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस एस सी अड्डा पर। मैं आपके सामने हाजिर हूं आज साइंस की क्लास लेकर, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी भी जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाए। तो सबसे पहला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, द एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर यानी कि तापमान का एस आई यूनिट क्या है। ऑप्शन है आपके पास सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन या नन ऑफ दीज। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि टेम्परेचर का एस आई यूनिट क्या होता है, ये आपका सवाल है। और आपके पास ऑप्शन है सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका जो सही जवाब है। याद रखेंगे टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है बहुत ही आसान है, दैट इज केल्विन। और केल्विन में जब टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो याद रखेंगे दोस्तों उसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या उसे परम तापमान कहा जाता है। जब केल्विन में टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, और जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसे परम शून्य तापमान या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ये भी आपने याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन के बीच में जो रिलेशन होता है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे। जो सेल्सियस होता है याद रखेंगे सी बाय फाइव इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। ये रिलेशन होता है किसके बीच में, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन के बीच में। ये रिलेशन भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये रिलेशन भी पूछा जाता है। और इसमें एक र्यूमर स्केल भी होता है, उसे भी याद रखेंगे। इज इक्वल टू होता है R by 4 is equal to क्या होता है दोस्तों, R by 4 या Reaumur by 4 होता है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस का मान अलग अलग स्केल में कितना होता है, तो याद रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में 273 केल्विन होता है, जबकि याद रखेंगे फारेनहाइट में 212 फारेनहाइट होता है और Reaumur में दोस्तों 80 Reaumur होता है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर आना पॉइंट, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू हमारे स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर टू। चलिए तो देखिए दूसरा सवाल आ चुका है। यहां पर पूछा गया एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, हीट के यानी उष्मा के एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन है कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी या केल्विन। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर टू, ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन से इसी प्रकार के सवाल आपसे बनते हैं। फटाफट जवाब दीजिए, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी या केल्विन। ताप की एसआई इकाई क्या है, कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी या केल्विन। तो दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखना है कि जो जूल होता है हीट भी क्या है, हीट भी एक्चुअली एक प्रकार की ऊर्जा है। सिंपल सी बात है, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट होगा ना, वही एसआई यूनिट क्या होता है, किसका होता है दोस्तों, वही एसआई यूनिट हीट का भी होगा। यानी कि हीट का जो एसआई यूनिट है दैट इज जूल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी यानी जूल। तो चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए तो अगला सवाल देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वन जूल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि एक जूल जो होता है वो कितने कैलोरी के बराबर होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास 0.28 कैलोरी, 0.32 कैलोरी, 0.24 कैलोरी या 4.2 कैलोरी। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी और एएलपी सभी में पूछा गया प्रश्न है कि एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए इसका, जल्दी जल्दी जवाब दें दोस्तों। तो आपको दोस्तों पता है कि जो
एक कैलोरी होता है, एक कैलोरी में यहां पर मैक्सिमम बच्चे जवाब देंगे, मुझे पता है डी ऑप्शन जवाब देंगे, मैक्सिमम बच्चे 4.2 कैलोरी देंगे, लेकिन याद रखेंगे दोस्तों एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है, जबकि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, 0.24 कैलोरी होते हैं, ये याद रखना है आपने, काफी इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन डी, सी इज करेक्ट आंसर, यानी 0.24 कैलोरी ये इसका सही उत्तर होगा, आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन के ऊपर, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अर्लीस्ट थर्मामीटर वॉज डेवलप्ड बाय, यानी कि थर्मामीटर को किसने डेवलप किया, यानी कि सबसे शुरू में थर्मामीटर को किसने खोजा है, ऑप्शन है कैल्विन, फारेनहाइट, गैलीलियो या नॉबदीज, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि पहला जो थर्मामीटर, सबसे पहला थर्मामीटर किसने डेवलप किया था, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे फारेनहाइट ने किया था, तो बेटा याद रखना है सबसे पहले जो थर्मामीटर जिससे कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें पारा का यूज किया जाता है, तो याद रखेंगे ये जो अर्लीएस्ट थर्मामीटर है इसका जो आविष्कार किया था वो किया था गैलीलियो ने, किसने किया था दोस्तों, उसका आविष्कार किया था गैलीलियो, यानी कि इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी सी इज करेक्ट आंसर, गैलीलियो ने आविष्कार किया था सबसे शुरू में थर्मामीटर का। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यहां पर देखिए प्रश्न पूछा गया, डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, काफी अधिक तापमान को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑप्शन है पायरोमीटर, गैस थर्मामीटर, वेपर प्रेशर थर्मामीटर, नॉन ऑफ दीज, ये रेलवे के एएलपी में पूछा गया सवाल है कि सबसे बहुत अधिक तापमान को, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। चलिए तो दोस्तों याद रखना है जब ज़्यादा टेम्परेचर को यूज़ करना होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो वहाँ पर एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है दोस्तों पायरोमीटर। ये लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेजर करता है, कौन, पायरोमीटर, पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। और जब दोस्तों बहुत ही कम टेम्परेचर को मेजर करना होता है ना, जब बहुत ही कम टेम्परेचर को मेजर करना होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम, -273 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर को मेजर करना होता है, तो उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक्स बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे, उसे क्या कहते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर को मेजर करना, दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स, ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। टेम्परेचर एट विच बोथ द फारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू, यहां पर यह पूछा जा रहा है वैसा तापमान जिस पर कि फारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों के मान समान होते हैं, ऑप्शन है -60, -40, -20 या नॉन ऑफ दीज, ये बेहद आसान से प्रश्न है, हर बच्चा इसका सही जवाब देगा, एक एक बच्चा इसका सही जवाब देगा, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में ये रिपीटेड, बहुत बार रिपीट हुए हैं ये प्रश्न, है ना, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न, ये सभी फेवरेट प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि -40 डिग्री पर जो फारेनहाइट और सेल्सियस सेंटीग्रेड के स्केल जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है C/5 -32/9, यहाँ पर -40 पुट कीजिए, -40/5 क्या हो जाएगा, -32/9, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए -8×9=F-32, और जो फारेनहाइट में जो वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो ये भी -40 ही आता है, ठीक है ना, तो ये एक याद रखेंगे, इसका सही जवाब तो -40 होगा, लेकिन कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो सेल्सियस और र्यूमर स्केल, यानी कि सेंटीग्रेड या सेल्सियस और र्यूमर स्केल, ये टेम्परेचर किस पर समान होते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों 0 डिग्री पर सेल्सियस और र्यूमर स्केल क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, 0 डिग्री पर सेल्सियस और र्यूमर के मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ये भी याद रखना है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर,
When water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, its volume, option A, decreases, increases, first decreases, then increases, या none of these. फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर. जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसकी मात्रा होती है, ऑप्शन कम हो जाती है, बढ़ जाती है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं. तो आपको दोस्तों पता है कि 0 डिग्री से लेकर जो 4 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो डेंसिटी है, वो क्या होती है, घनत्व उसका बढ़ता जाता है. यानी कि उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता जाता है, घटता जाता है. यानी कि यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो याद रखेंगे, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका क्या होगा, वॉल्यूम वो घटेगा, फिर 4 से 10 डिग्री के बीच में इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा. यानी कि इसका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखेंगे, दैट इज पहले घटता है और फिर बढ़ता है. क्योंकि आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है. ये भी आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ये आपको पता है. यानी कि इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज. अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 8 चलिए आ चुका है. द मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज, यानी कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन से जो हीट ट्रांसफर होता है, अर्थ तक ट्रांसफर होकर आता है, वो किस विधि के द्वारा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या नन ऑफ दीज. सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के प्रसार का तरीका है चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं. फटाफट जवाब दीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. जल्दी जल्दी सभी लोग जवाब दें इसका, कि द मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू अर्थ इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या नन ऑफ दीज. तो दोस्तों याद रखेंगे, कंडक्शन का मतलब जब किसी एलिमेंट, किसी मैटर के मॉलिक्यूल के कारण जब ट्रांसफर हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन बोलते हैं. जब दोस्तों मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ ट्रांसफर हो तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं. और रेडिएशन जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे, रेडिएशन के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती है, यह वैक्यूम में भी रेडिएशन के द्वारा ही ट्रांसफर हो सकता है. और इसलिए याद रखेंगे, सन से अर्थ तक जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस विधि के द्वारा, रेडिएशन यानी विकिरण विधि के द्वारा होता है. और हीट ट्रांसफर का, याद रखेंगे, हीट ट्रांसफर के कई प्रकार होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन, ये सारे प्रकार हैं 4 हीट ट्रांसफर के. यहां पर जो सबसे फास्टेस्ट, सबसे जो तेजी से हीट ट्रांसफर होता है ना, सबसे ज्यादा गति से हीट ट्रांसफर होता है, वो भी किसमें होता है दोस्तों, वो भी होता है विकिरण में होता है. आप जब किसी आग, कहीं पर आग जल रहा होता है, या फिर आप मान के चलिए चूल्हा जल रहा होता है और चूल्हे के पास जब खड़े होता है तो आपको जो गर्मी लगती है, या फिर कहीं दूर आग जल रहा होता है और आप खड़े होते हैं, आपको जो गर्मी लगने लग जाती है, यह भी किसके कारण होता है, यह भी रेडिएशन यानी विकिरण के कारण ही हीट का ट्रांसफर होता है. लेकिन यह मान के चलिए कोई मेटल है, इसमें क्या कर रहे हैं, किसी इसको गर्म कर रहे हैं, इस तरफ गर्म कर रहे हैं, और इधर छूने पर अगर हमें गर्मी लग रही है, ठीक है ना, गर्म इधर किया लेकिन इधर भी छूने पर गर्म लगने लग गया, इसका मतलब क्या, यहां पर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इस मेटल यानी कोई भी मेटल हो उसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है दोस्तों, याद रखेंगे, वो किसके द्वारा होता है, कंडक्शन या चालन विधि के द्वारा, ठीक है ना. बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. बहुत बढ़िया. कैलोरी मीटर आज जनरली मेड अप ऑफ, कैलोरी मीटर यानी हीट को मेजर करने का एक तरीका है कैलोरी मीटर. कैलोरी मीटर पूछा जा रहा है किसका बना होता है, ऑप्शन है कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम या नन ऑफ दिस. फटाफट जवाब दीजिए, कैलोरी मीटर किसका बना होता है. कई एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि हीट को, हीट ट्रांसफर वगैरह को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बेटा कैलोरी मीटर का यूज करते हैं. लेकिन ये बना किसका होता है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं. तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो कैलोरी मीटर है ये बना होता है किसका, कॉपर का. कॉपर यानी जिसे हम लोग Cu, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29, ये भी आपको पता. और कॉपर एक ऐसी धातु है जिसका मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो क्या है दोस्तों, कॉपर. और कॉपर जो है वो सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, यानी कि विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है. तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला बेटा सिल्वर, ये भी याद रखेंगे.
क्लियर है ना। जब हम लोग ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास किससे बना होता है दोस्तों, कॉपर और जिंक यानी कि तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है, ब्रास बनता है। और एल्यूमिनियम के बारे में याद रखेंगे, हमारे अर्थ क्रस्ट में यानी हमारी भूपरपटी में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट सबसे ज्यादा जो धातु पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो मेटालिक एलिमेंट पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो धात्विक तत्व पाया जाता है वो होता है क्या, एल्यूमिनियम। और हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में जो एल्यूमिनियम का परसेंटेज है बेटा वो याद रखेंगे, हमारे अर्थ क्रस्ट में यानी हमारी भूपरपट्टी में जो एल्यूमिनियम का परसेंटेज है दैट इज 8% के आसपास है। और एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है याद रखेंगे दोस्तों, उसका नाम है बॉक्साइट, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द बोन ह्यूमरस इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमरस या मानव शरीर के किस भाग में ह्यूमरस नामक हड्डी पड़ी पाई जाती है। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्केलेटन सिस्टम में एक एक प्रकार के बोन के एक एक प्रकार के हड्डियों के बारे में पढ़ा था, तो देखिए ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन है अपर आर्म, लेग, थाई या नी, फटाफट जवाब दीजिए। ऊपरी बाह में, पैर में, जांग में या घुटने में ह्यूमरस नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है। बेटा हम लोगों ने एक एक हड्डी के बारे में पढ़ा है, एक एक हड्डी के बारे में टीबिया, फेबुला है ना, फीमर, मैंडिबल, कई सारे बोन के बारे में पढ़ा है, स्कैपुला है ना। तो याद रखेंगे यहां पर जो ह्यूमरस नामक बोन पाया जाता है, रेडियो अल्ना, ये सभी भी पढ़ा है। ये ह्यूमरस नामक जो बोन पाया जाता है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना यानी कि कोहनी से लेकर ये कंधे के बीच में, वो कौन सा होता है, ऊपरी बाहु, ऊपरी बाह, यानी कि ए जो है इसका दोस्तों करेक्ट उत्तर है। याद रखेंगे ऊपरी बाह में कौन सा ह्यूमरस नामक हड्डी पाई जाती है, जो कोहनी से लेकर कलाई के बीच में दो हड्डियां पाई जाती है, रेडियो और अलना। जांग से, जांग की जो हड्डी होती है दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं फीमर। और घुटने से लेकर जो हमारे एड़ी के बीच में जो हड्डी पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं टीबिया और फेबुला, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र मूवेबल बोन कौन सा है, फटाफट जवाब दीजिए। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र मूवेबल बोन, पता है आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा स्केलेटन सिस्टम के अंदर पढ़ा था इस चीज को। यहां पर देखिए बार बार इस, ये मिक्स क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया है ताकि आप लोगों का पूरा एक बार सारा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और कई सारी नई चीजें भी आपको सीखने को मिले। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र मूवेबल बोन कौन सा है दोस्तों, फटाफट, पटेला, हायोइड, मैंडिबल या ऑल ऑफ दिस, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा बोन यहां पर जो है, कौन सा बोन जो है एकमात्र मूवेबल बोन है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहां पर हम लोग बात करते हैं तो मैंडिबल जो होता है, जो हमारा जॉ बोन होता है, जबड़े की जो हड्डी होती है, मैंडिबल नामक जो हड्डी होती है वो क्या होती है, एकमात्र मूवेबल बोन होती है हमारी, किसकी, खोपड़ी की। बाकी के हड्डियों की बात करें दोस्तों, पटेला, पटेला जो पाया जाता है दोस्तों ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे घुटने में, घुटने में जो एक बोन होता है कब्सा, उसे पटेला कहा जाता है। हायोइड की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे हायोइड नामक जो बोन होती है वो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, वो हमारे मतलब ये नेक के थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का इंडिपेंडेंट बोन है, जो कि किसी भी हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ऐसे भी सवाल आपसे बनता है। तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना, और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, एसएससी अड्डा चैनल को, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ए रेड फ्लावर केप्ट इन ग्रीन लाइट विल अपीयर, यानी कि एक जो लाल रंग का फूल है उसे अगर हरा प्रकाश में रखा जाता है तो वो कैसा दिखाई देगा, ये लाइट से रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन है ब्लैक, रेड, ब्लू और वायलेट, यानी काला, लाल, नीला या बैगनी कलर का किसका दिखाई देगा, फटाफट जवाब दीजिए। और दोस्तों याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी वो किस लाइट की होती है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है किस लाइट में, वो याद रखेंगे दोस्तों ब्लू लाइट जो होता है ना उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। यहां पर हमारा प्रश्न आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए फटाफट। आप लोग याद रखेंगे रेड और जब ग्रीन को मिलाया जाता है तो वो कैसा हो जाता है दोस्तों, वो बन जाता है कैसा, ब्लैक कलर देगा, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि ब्लैक कलर इसका सही उत्तर है, क्लियर है। चलते हम लोग दोस्तों अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यहां पर पूछा जा रहा है द हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स इज, यानी कि जो ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट, कई बार तो ऐसे पूछ दिया जाता है ईएनटी में ई का मतलब क्या, एन का मतलब क्या, टी का मतलब क्या, ई का मतलब ईयर, एन का मतलब नोज, टी का मतलब थ्रोट, यानी कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ बोलते हैं इसको, या कान नाक गला रोग विशेषज्ञ,
ठीक है ना। तो ये जो डॉक्टर यूज करते हैं हेड में, यानी कि यहां पर एक मिरर यूज करते हैं, वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या नन? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा मिरर होता है ईएनटी डॉक्टरों के द्वारा जो यूज किया जाता है, वो कौन सा दर्पण होता है? जल्दी जल्दी जवाब दें सभी लोग, है ना, सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए। तो याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दैट इज कॉनकेव मिरर, यानी कि इसका सही जवाब है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है ईएनटी डॉक्टर्स के द्वारा। जो कार की हेडलाइट है वहां पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, सोलर कुकर है वहां पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, डेंटिस्ट मिरर है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और याद रखेंगे सेविंग मिरर जो है उसमें भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पर किया जाता है, जो रेयर व्यू मिरर है, जो साइड मिरर होता है उसमें किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। जब हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लेन मिरर का जो वक्रता त्रिज्या होता है दोस्तों, यानी कि फोकस दूरी, ये सभी क्या होती हैं, इंफिनिटी होती हैं। और प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टर सरफेस बना होता है ना दोस्तों, जो उसका परावर्तक सतह बना होता है, वो किसका बना होता है, याद रखेंगे वो बना होता है सिल्वर का। और प्लेन मिरर के अंदर याद रखेंगे जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में हमारा अगर पूरा इमेज देखना है, पूरा अगर प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए प्लेन मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई से कैसी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस, गैस के अंदर साउंड का स्पीड क्या होगा, पहला ऑप्शन इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा, तीसरा सेम रहेगा, चौथा कुछ भी नहीं। फटाफट जवाब दीजिए, साउंड की जो मतलब हम लोगों को ये नॉर्मली पता है, साउंड जो होती है, साउंड की स्पीड जो होती है कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड इन एयर 0 डिग्री सेल्सियस पर, और नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पर उसका जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 343 मीटर पर सेकंड, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। फटाफट जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, हम लोगों ने साउंड के ऊपर टू द पॉइंट का जो वीडियो देखा था उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है एक एक चीज। तो यहां पर सही जवाब है दोस्तों इसका, बिल्कुल सही जवाब है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है साउंड की स्पीड भी दोस्तों क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इंक्रीज करेगा, जबकि प्रेशर अगर यहां पर बढ़ता घटता, प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है साउंड की स्पीड के ऊपर, यह याद रखना है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि साउंड की स्पीड में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साउंड की स्पीड में क्या होगा दोस्तों, साउंड की स्पीड में वृद्धि होगी, याद रखनी है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग, है ना। Which is not a component of appendicular skeleton? देखिए बेहद ही शानदार और काफी थोड़ा सा टिपिकल सवाल है ये, है ना, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। ऑप्शन यहां पर है आपके पास क्लेविकल, पेल्विक बोन, फीमर या स्टर्नम। फटाफट, अब जिसको पूरा बोन का एक एक बोन का आइडिया होगा वही इसका जवाब दे सकता है, ठीक है ना। ये बड़ी हड्डी छोटी हड्डी जिनको पता होगा वो इसका जवाब नहीं दे, जल्दी से जवाब दीजिए कि विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एपेंडिकुलर बोन, क्लेविकल, पेल्विक बोन, फीमर या स्टर्नम, जो जो कि उपांगीय कंकाल का हिस्सा नहीं है, हंसली, पेल्विक बोन, फीमर या स्टर्नम, जिसे हम लोग उरोस्थि भी कहते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दें सभी लोग। दोस्तों हम लोगों ने एक्सियल बोन और एपेंडिकुलर बोन पढ़ा था, तो एक्सियल बोन में हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए जो अक्षीय कंकाल था वहां पर पढ़ा था, एक तो स्कल का हड्डी है ना, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिब्स पढ़ा था, तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टर्नम पढ़ा था, और चौथा क्या पढ़ा था, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि यहाँ पर जो स्टर्नम है यानी जो उरोस्थि है, ये उरोस्थि दोस्तों क्या है, एक प्रकार का एक्सियल बोन है, बाकी जो हंसली क्लेविकल जो होता है, स्कैपुला और क्लेविकल यहाँ पर सोल्जर में होता है, पेल्विक बोन कहाँ पर होता है दोस्तों, हमारे कमर में होता है, फीमर कहाँ की हड्डी है, जांघ की हड्डी है, ये सभी कैसे बोन है, ये सभी एपेंडिकुलर बोन है, जबकि स्टर्नम यानी उरोस्थि ये कैसा बोन है दोस्तों, ये कैसा बोन है, ये हमारा एक्सियल बोन है, जो कि ये जो रिब्स जिससे निकला हुआ होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये बीच वाला जो बोन है, ये बोन क्या होता है, ये जो बीच वाला बोन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम, और ये साइड वाले जो बोन्स होते हैं हमारे रिब्स में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पसलिया कहते हैं, जो कि कितनी होती है, 12 जोड़ी या कितनी होती है, 24 होती है, हम लोगों ने यह भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, विच ग्लैंड डिसअपीयर ड्यूरिंग ओल्ड एज, यहां पर प्रश्न पूछा गया है, कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे के दौरान गायब हो जाती है, विच ग्लैंड यानी कि ये जो ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में खत्म हो जाती है, ऑप्शन है थायमस, पैनक्रियाज, अधिवृक्क या पिट्यूटरी ग्लैंड। फटाफट जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर,
कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में डिसअपियर इंडोक्राइन सिस्टम में, देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक एक ग्लैंड को पूरा डिटेल में एनालाइज किया था, ठीक है ना। तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका क्या जवाब होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा है एक एक बच्चा इसका सही जवाब देगा, है ना। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहे आप लोग, और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करते रहे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका जवाब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का तो जवाब है दोस्तों इसका थाइमस, थाइमस ग्लैंड। हम लोगों ने पढ़ा है कि ये थाइमस ग्लैंड जो है ये कहां पर स्थित होता है, हार्ट के पास, और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बेटा, इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसका काम होता है एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करना, जिसका क्या काम होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण करना। और बुढ़ापे में ये ग्लैंड जो है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, इसलिए बुढ़ापे में जो लोगों को बीमारी होती है तो वो जल्दी क्या होती है, समाप्त नहीं होती। यानी कि इसका करेक्ट उत्तर है दैट इज थाइमस ग्लैंड, जो कि कहां पर स्थित होती है, हमारे हृदय के पास, ए इसका करेक्ट उत्तर। जब पैनक्रियाज की बात करते हैं दोस्तों याद रखेंगे पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो किडनी के ऊपर होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड की जब बात करते हैं तो इसे मास्टर ग्लैंड या इसे मास्टर ग्रंथि और या इसे मिनी ब्रेन भी कहा जाता है, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है फिर भी बताइए, है ना। समझ में आ रहा है तो बताना है आप लोगों को, है ना, और ज्यादा से ज्यादा समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो अपवर्तक सूचकांक होता है उसका क्या वैल्यू, इसका एसआई इकाई क्या है, ये पूछा गया। मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वॉट होता है या नो यूनिट, फटाफट जवाब दीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका यूनिट क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है मीटर, सेंटीमीटर, वॉट या इसका यूनिट ही नहीं होता। अगर आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तक सूचकांक के बारे में पता होगा तो आप लोग बिल्कुल इसका जवाब देंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलिए तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, याद रखेंगे इसका जो सही जवाब है दैट इज इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ, मतलब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग लाइट में चलेंगे तो वहां पर हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, ये जो म्यू जिसे हम लोग बोलते हैं म्यू, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, ये जो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर ये जो होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। यानी कि इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन के ऊपर, एमजीटी। देखिए कितना शानदार सा सवाल है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्तों डिजीज के अंदर, पूरा डिटेल में पढ़ा है इस चीज को, तो बताइए जिसने भी डिजीज का लेक्चर देखा है एक एक बच्चा इसका सही जवाब देगा। एमजीटी का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया या पोलियो, ठीक है जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यहां पर जो दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से पता है, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग ये भी किससे होता है, लेप्रोसी भी बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया किससे दोस्तों, डिप्थीरिया भी किससे होता है, फटाफट बताइए डिप्थीरिया भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, जबकि पोलियो ये किससे होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। और एमडीटी यानी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, याद कीजिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, इसका यूज किस में किया जाता है, कुष्ठ रोग के इलाज में, हम लोगों ने पढ़ा था कुष्ठ रोग यानी किसके इलाज में, लेप्रोसी के इलाज में इसका यूज किया जाता है। यानी कि इसका सही उत्तर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी, यानी लेप्रोसी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये जो लेक्चर है दोस्तों आपका पूरा एक बार जो पूरा बायो है सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा जितना कराया गया है, है ना। और कई सारे मैंने नए सवाल भी इसमें डाले गए, कई सारे जितने भी सवाल हैं सारे आपके नए नए सवाल इसमें डाले गए हैं। तो अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रदूषक के कारण ब्लैक फुट डिजीज हो सकता है, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। विच पॉल्यूटेंट में लीड टू ब्लैक फुट डिजीज, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जब हम लोगों ने हार्ट पढ़ा था, याद कीजिए हार्ट यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था, बाकी डिजीज में भी हम लोगों ने पढ़ा था, किस प्रदूषक के कारण ब्लैक फुट डिजीज हो सकता है, कैडमियम, पारा, आर्सेनिक या तांबा, फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक या कॉपर। तो दोस्तों हम लोगों को यह पता है, जल्दी जल्दी जवाब दे सभी लोग, बेहद आसान, एक एक सवाल यहां पर आप लोगों को बताया गया है, सारा आपको मतलब सारा चीज एक एक चीज आपको बताया गया है क्लास में, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि आर्सेनिक, जब जल में आर्सेनिक की अधिकता होती है तो कौन सी बीमारी होती है, याद कीजिए जब जल में आर्सेनिक की अधिकता होती है तो कौन सी बीमारी होती है, पढ़ा था ना हम लोगों ने, ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। कैडमियम की अधिकता से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है, हम लोगों ने पढ़ा है इटाई, इटाई होता है किसकी अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से।
हम लोगों ने पढ़ा था कॉपर की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, लीवर सिरोसिस, है ना, लीवर सिरोसिस, और इससे एक बीमारी होती है विल्सन, विल्सन नामक बीमारी भी होती है कॉपर की अधिकता से, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी यानी आर्सेनिक, इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन के ऊपर, बहुत बढ़िया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, यहां पर पूछा जा रहा है साफ आसमान का नीला रंग, आसमान देखते हैं जब साफ होता है तो कैसा दिखता है, ब्लू, है ना। यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्लू क्यों दिखता है, किस प्रॉपर्टी, लाइट के किस प्रॉपर्टी के कारण, लाइट से जब प्रश्न बनता है बेटा याद रखेंगे लाइट के प्रॉपर्टीज से उसका क्या एप्लीकेशन है, उसके प्रॉपर्टीज से ही हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यहां पर आप जो प्रश्न देख रहे हैं, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आसमान जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन, कई बार एग्जाम में यहां से ये अभी हाल में रेलवे के जेई में ऐसा ही प्रश्न एक पूछा गया था कि आसमान का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, बड़ा आपको पता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण जो है प्रकाश का कैसा रंग दिखाई देता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसका दोस्तों करेक्ट उत्तर है, प्रकाश के किसके कारण, डिस्पर्सन के कारण हमारा जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन के ऊपर है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए आतिशबाजी, जो आतिशबाजी पटाखे फोड़ते हैं ना, अभी दिवाली आने वाला है, ठीक है ना, उसमें पटाखे आप लोग फोड़ेंगे, तो पटाखा जब फोड़ते हैं तो उसमें जो हरा रंग होता है ना, अलग अलग पीला रंग निकलता है, तो पीला रंग किससे निकलता है, सोडियम से, है ना। उसी तरह यहां पर ब्लू ग्रीन कई तरह के रंग निकलते हैं, यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है हरा रंग किसके कारण उत्पादन होता है, ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, मरकरी, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, जो पटाखे होते हैं उसमें हरा रंग किसके कारण होता है, सोडियम के कारण, पोटेशियम के कारण, बेरियम के कारण या मरकरी के कारण, जल्दी जल्दी जवाब दें सभी लोग। ये भी एग्जाम के आपके अभी हाल में जो अभी जेई का पेपर हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको, जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, दैट इज ड्यू टू बेरियम, यानी बेरियम के कारण जो आतिशबाजी का कैसा रंग होता है वो हरा रंग होता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वाज, अभी अभी हमने टू द पॉइंट पे लेक्चर डाला था, टू द पॉइंट में पॉलीमर का, बहुलक का लेक्चर डाला था टू द पॉइंट में, उसमें मैंने इस चीज को बताया हुआ है, फटाफट जवाब दीजिए, जिसने भी वो लेक्चर देखा है, वो टू द पॉइंट का एपिसोड देखा है तो वो जवाब देंगे इसका, कि पहला जो सिंथेटिक फाइबर है मनुष्य के द्वारा, पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा बनाया गया था, फटाफट जवाब दीजिए, रेयॉन, टेरिकोटा, पॉलिस्टर या नायलॉन, रेयॉन, टेरिकोटा, पॉलिस्टर या नायलॉन, फटाफट जवाब दीजिए, बेहद आसान सा प्रश्न है और एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया, एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न 8 से 10 बार पूछा गया प्रश्न है, ज्यादा ही उससे भी, ठीक है ना। याद रखेंगे सबसे पहला जो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहला बनाया गया फाइबर था दोस्तों वो कौन सा था, वो था नायलॉन, आप याद रखेंगे कौन सा था दोस्तों, दैट इज नायलॉन जो था मनुष्य ने सबसे पहले, मनुष्य के द्वारा निर्मित फाइबर है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन के ऊपर, किस मिश्रण का उपयोग ग्लास बनाने के लिए, ग्लास यानी कांच, यहां पर कांच की बात हो रही है, सीसा नहीं, सीसा मतलब लेड होता है, जिसका मतलब होता है पीबी, जिसको डिनोट करते हैं, और जिसका आयस्क होता है गैलेना, ये लेड होता है, इसे हम लोग सीसा बोलते हैं। यहां पर ग्लास है, ग्लास का मतलब होता है कांच, जो कांच को बनाने के लिए किस किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, फटाफट जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके पास है क्वार्ट्ज एंड माइका, साल्ट एंड क्वार्ट्ज, सैंड एंड साल्ट या सैंड एंड सिलिकेट्स, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है ना, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग, और जो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए बच्चे जो देख रहे हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपको पता है, जो बनाने में यूज किया जाता है सैंड, और किसका, सैंड और सिलिकेट्स का यूज किया जाता है, किसको बनाने में, कांच के निर्माण में सैंड और सिलिकेट्स का यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई जो होता है दोस्तों वो किस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप कमेंट में बताएंगे, सैंड फ्लाई जो होता है बालू मक्खी वो किस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे अभी अड्डा 247 पर क्या चल रहा है, बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल चल रहा है, है ना, बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल चल रहा है हमारे अड्डा 247 पर, जिसमें कि दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वहां पर Y175 कोड लगाकर, आप जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे वहां पर आप Y175 कोड
ये कोड लगाकर आप कितने परसेंट का डिस्काउंट पा सकते हैं, 40% का डिस्काउंट पा सकते हैं जब आप कोई भी प्रोडक्ट वहां पर परचेज करते हैं, लाइक स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ई बुक परचेज करते हैं या लाइव कोर्सेज या कुछ भी खरीदेंगे, वहां पर ये कोड लगाएंगे और आप कितने परसेंट तक का डिस्काउंट पा सकते हैं, 40% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जाएं अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड करें और जो कुछ भी आपको खरीदना है आप खरीदें, और खरीदने से पहले ये कोड लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लेक्चर में यही सवाल थे, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के अंदर कुछ अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट के साथ। जो हमारा लेक्चर होगा, जो अगला लेक्चर होगा दोस्तों, वो लेक्चर होगा हमारा क्या होगा, वो लेक्चर होगा टिश्यू यानी उत्तक से संबंधित हमारा ये लेक्चर होगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में देखेंगे यानी कि पादप उत्तक के बारे में देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें एंड हैव ए गुड डे।